पूरे जिले में हमारी कांग्रेस पार्टी पुलिस प्रशासन का और सरकार का पुतला फूंक रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चार दिन पहले एक सिख समाज के लड़के के साथ एक कांस्टेबल ने अभद्रता करी, उसके कड़े के साथ छेड़छाड़ करी और उसकी पगड़ी को छेड़ने का प्रयास किया और बदतमीजी करी उसके साथ, उसकी हम जितनी भी निंदा हो सके उतनी निंदा हम करते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सिख समाज का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के लिए, आज विकसित भारत की अगर हम बात करें तो उसी को लेके उसके विरोध में हमारी मांग है कि उस कांस्टेबल को लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा, उसको यहाँ से पूरी तरीके से सस्पेंशन होना चाहिए और हमारे ज़िले में दिखाई नहीं देना चाहिए, और अगर वो हमारे ज़िले में दिख गया तो ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। यहाँ पर हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। अभी 3 दिन पहले जिस तरह से एक बाइक सवार को रोकने के लिए पुलिस ने रवैया जो किया है, किस तरह से उसको कॉलर पकड़ के धक्का देके और गाली गलौज करते हुए रोका है, ये निंदनीय है। क्योंकि पुलिस जो है मित्र होती है, ठीक है, लाइन ऑर्डर बनाना उसका काम है, लेकिन अगर कहीं यातायात व्यवस्था का कोई पालन नहीं करता है नियमों का, तो उसके लिए वो चलान कर दे, गाड़ी सीज करे। लेकिन जिस तरह से जो व्यवहार है वो बहुत ही निंदनीय है। मेरा कई दिन से वायरल की वजह से बहुत ही तबीयत खराब थी, जिला अध्यक्ष जी भी 2 दिन से बाहर थे देहरादून में, तो आज पार्टी के सभी लोग इसी बात की आक्रोश व्यक्त करते हुए यहाँ पर पुतला दहन करेंगे और SSP को एक ज्ञापन भी देंगे कि ऐसे अधिकारियों को जिले से बाहर करना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।